मॉब लिंचिंग बड़े दिनों बाद ये शब्द सुनने को आया है, क्योंकि कुछ साल पहले तो हर रोज यही शब्द और यही घटना हर न्यूज चैनल पर देखने और सुनने को मिलती थी, पर आज अचानक इसकी चर्चा की तो इसका जवाब भी हम आपको दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप और मैं हूं नेहा। एक नए मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है मेवात से। अब मेवात कहाँ है तो वो हरियाणा राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है। दरअसल ये मामला मेवात के रोजका थाना क्षेत्र का है, जहां 25 साल का आसिफ 16 मई को अपने दो चचेरे भाइयों के साथ दवाई लेने गया था। वो तीनों एक बाइक पर सवार थे और दवाइयां लेकर वापस घर लौट रहे थे, लेकिन रात 9 बजे दो एसयूवी में कुछ लोग आए और उन्होंने उसको धर लिया और बाइक को भी टक्कर मार दी, जिससे तीनों युवक जो बाइक पर सवार थे वो नीचे गिर गए। इसके बाद एसयूवी से निकले लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें आसिफ की मौत हो गई और उसके दो चचेरे भाइयों को भी चोटें आई, वो भी घायल हो गए। अब आसिफ के घर वालों ने मॉब लिंचिंग के साथ साथ आसिफ को गोली मारी है ये आरोप भी लगा रहे हैं। इस मामले में गवाह और उसके चचेरे भाई राशिद ने पुलिस को बताया है कि हमले में उसके गांव में ही लड़के जो है वो शामिल है। वो करीब 9-10 लड़के थे और दूसरे आरोपी भी आसपास के गांव के रहने वाले लड़के। दवाई लिए वहां से हमने दवाई लेके हम डर लेके सीधे हमने वो जखोपुर पास किया था और जखोपुर पास करने के बाद अचानक पीछे से एक गाड़ी की आवाज आई जिसने हमें पीछे से टक्कर मारी और फिर टक्कर मारने के बाद आगे से जो गाड़ी आई उसने एक गाड़ी सड़क पे बिल्कुल आड़ी लगा दी। गाड़ी लगने के बाद हमारी उससे टक्कर हुई, फिर एक तीसरी गाड़ी ने हमें पीछे से साइड से टक्कर मारी। साइड से टक्कर लगने के बाद जैसे हमने गाड़ी बढ़ाई हमारी गाड़ी खड्डे में जाकर बदल गई। उसके बाद उसमें मेरे ही गांव के 7-8 बंदे जिन्होंने मुझ पे हमला किया। मुझ पे हमला करने के बाद जब मुझ में कुछ नहीं बचा, मुझे छोड़ा, मेरे भाई को उस गाड़ी से निकाला और उस गाड़ी से निकाल कर मेरे भाई को मार दिया और मारकर नगली के फार्म हाउसों में फेंक दिया, जिसमें कुछ बाहर के लोग उदा का, उसका नाम संदीप है, और एक भाई एक लड़का है उसका जखोपुर का जिसका नाम कालू उर्फ सनोक राजन, और जो गांव के हैं जो गांव के अडवाणी और पटवारी और जी सर और क्या नाम है उनका ऋषि कुलदीप और जी कुलदीप और जी सोनू और भीम और महेंद्र और जी सर एक का नाम है अनु। राशिद ने आगे पुलिस को बताया है कि उन्होंने आसिफ को लाठी डंडों से मारा है और सरिये से भी मारा है और फिर उसको गोली भी मार दी। वहीं आसिफ के परिवार वालों का ये आरोप है कि वो लड़के आसिफ को जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे, जिससे आसिफ ने इनकार कर दिया। वहीं राशिद ने उनके आरोपियों के नाम भी बताए हैं जो इस घटना में शामिल थे। राशिद ने आडवाणी, कुलदीप, महेंद्र, कालू, संदीप और ऋषि, ये सब लड़के जो थे वो शामिल थे, इन सब के नाम लिए हैं। इसके अलावा भी कुछ लड़के आटा बरोधा और खेड़ा खलीलपुर के थे। अब आते हैं पुलिस पर कि उन्होंने ये क्या कदम उठाया, इस पर क्या एक्शन लिया। तो आपको बता दें, पुलिस को भी आसिफ की लाश नगली के फार्म हाउस पर मिली। आसिफ के परिवार वालों ने ये शिकायत की कि पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करे और उन्होंने मामला दर्ज भी कर लिया है। कुल 14 दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जिसमें अभी तक सिर्फ 6 आरोपियों की ही गिरफ्तारी हुई है। अब वहाँ के लोग विवाद कर रहे हैं, आसिफ को इंसाफ मिले इसके लिए वहाँ के लोग सड़क तक जाम कर रहे हैं, और जाम खुलवाने के लिए पुलिस जब आई तो उनके ऊपर भी उन्होंने हमला कर दिया। ऐसे में स्थानीय लोगों के गुस्से को देखते हुए कि ये हमला और ये मामला कोई और गंभीर घटना में तब्दील ना हो जाए, इसके लिए वहाँ भारी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। अब इन सबके बीच अगर पुलिस की बात करें तो उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि युवक को सिर्फ इसलिए मारा है क्योंकि उसने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। पुलिस ने कहा है कि इस केस में कोई भी सांप्रदायिक एंगल नहीं है, बल्कि गांव के लड़कों के बीच आपसी दुश्मनी को लेकर ये वारदात हुई है। वहीं इस मसले पर AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है,
जिसमें उन्होंने सीधा निशाना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर दागा है और कहा है चरमपंथी हिंदुत्व आप से बाहर हो गए हैं। मनोहर लाल खट्टर के शासन में ऐसे जानवरों का हौसला बढ़ाया है क्योंकि वो जानते हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। गुंडों को जल्दी से गिरफ्तार करने न्यायालय में लाने की जरूरत है। तो ये था आज का अपडेट। ऐसी अपडेट के लिए, ऐसी खबरों के लिए और ऐसे ही न्यूज के लिए आप हमारे चैनल दी घंटा को फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें और हाँ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। साथ ही कमेंट कर भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप हमारे चैनल दी घंटा को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।